जिता से जुड़े रहने की जो बात आपने बताई है वो शायद इस हॉल में बैठे हुए सभी लोग उसे उसमें उनकी सम्मति जताएंगे। मैं अभी अलग साहब से विनती करता हूं कि वो अपना प्रेसिडेंशियल एड्रेस दें। माननीय एम्बेसडर वर्मा, माननीय दिवेटिया साहब, डॉक्टर मंदा पारिक, जिन्होंने कहा कि वो रिश्ते में मेरी स्टूडेंट है, हालांकि सच में नहीं है। अब इतनी अच्छी स्पीच के बाद जो वर्मा साहब ने दी, अ डिप्लोमैट एंड ऑथर, लेकिन आई थिंक व्हाट वन कैन ओनली से इज दैट अबव ऑल ही इज़ अ वेरी सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग। और मेरे लिए दिस वाज रियली अ ग्रेट प्लेजर। सर, अब आपकी स्पीच के ऊपर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि अर्थशास्त्री जो मेरे सीनियर थे ML दांतवाला ने एक बार कहा था कि योगिंदर ही इज़ अ कारपेंटर। मेरे माय टीचर लॉरेंस क्लाइन, उनको पहला नोबेल प्राइज़ इन इकोनोमेट्रिक्स मिला था, सो आई एम अ कारपेंटर, सो आई कांट कमेंट ऑन योर स्पीच। इट्स सच अ ग्रेट स्पीच, आई एम श्योर एवरीबडी हियर एंजॉयड इट एज मच एज आई डिड। थैंक यू, फिर आइएगा अहमदाबाद। मैंने सोचा कि क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स ने मेरे लिए 15 मिनट का टाइम रखा है, तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। और पहली बात तो ये है कि मैं जब यहाँ आया तो सोच रहा, हम लोग नॉर्मली टाई वाई नहीं पहनते सर अहमदाबाद में, और आजकल तो मेरी मिसेज भी दिल्ली में है, तो मुझे ये सूट निकलवा के उसको पहले वो करना पड़ा टाई, बिकॉज ए डिप्लोमैट इज़ कमिंग, सो वी कैन नॉट से कि अहमदाबाद में लोगों को ये भी नहीं पता कि ड्रेस कोड क्या होते हैं। सो नहीं तो मैं भी अपनी वास्कट, जो हमारे वहाँ जगत शेट्स की वास्कट होती थी, वो एक रतन पोल के आगे एक दर्जी है, वो अभी भी बड़ी अच्छी वास्कटें बनाता है, वो पहन के आता। तो मैं कुछ अहमदाबाद में से क्या ग्लोबलाइजेशन की कहानियाँ हैं वो थोड़ी आपके सामने पेश करना चाहूँगा। इन सबको तो पता है, पहले रामलाल परिख भाई, वो भी लोकल और ग्लोबल थे, अगर हम ये फंक्शन विद्यापीठ में करते तो पहले आप गेस्ट हाउस में आते, और गेस्ट हाउस में आपको दाल वड़ा और चाय मिलती और भजिया, और बड़ा अच्छा दाल वड़ा और भजिया और मसाले वाली चाय मिलती है वहाँ, और उसमें रामलाल परिख दुनिया के बड़े से बड़े आदमियों को बैठा के अहमदाबाद की बात करते थे। हंगर प्रोजेक्ट, जिसमें FAO के बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स आए, नॉन वायलेंस की बातें, जिसमें नॉन वायलेंस के बड़े बड़े वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स वहाँ आए, कुछ जो हम स्टूडेंट्स थे वॉर्टन में, तो पहला सिट इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में नहीं था, इट वॉज इन द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया विच इज द ओल्डेस्ट ऑफ द IVs। और ऐसे लोगों के साथ वो टक्कर खाते थे, तो आप आए, आपका आभार। विद्यापीठ अनामिक यहाँ बैठे हैं, वाइस चांसलर और खिमानी साहब और फ्रेंड्स, वो लोकल भी है और ग्लोबल भी है। और जैसे आपने कहा, उसको बहुत टाइम तक लोग मानते नहीं थे। अनामिक, आई थिंक यूनिवर्सिटी इट बिकेम इन 1961,
जब मैं आया था तब उस समय ये बन रही थी, इट वॉज नॉट रियली अ यूनिवर्सिटी इवन देन. और जब अगर ये पूरी यूनिवर्सिटी बन जाएगी तो फिर हमको वाइस चांसलर चुनने में भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि यूनिवर्सिटी ये कभी भी नहीं बनेगी, इट विल ऑलवेज कैरी दैट कैरेक्टर ऑफ ऑफ गांधी जी, दैट एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ कल्चर. सो रामलाल भाई के सब फ्रेंड्स यहाँ हैं, आई एम हिज फ्रेंड, सो इट इज़ वेरी गुड दैट एट लीस्ट वंस ए ईयर वी रिमेंबर रामलाल भाई. अहमदाबाद शहर लोकल भी है और ग्लोबल भी है. जब मैं पीएचडी कर रहा था तो अरविंद फ्रेंड, जिन्होंने मनी की हिस्ट्री लिखी थी, उन्होंने बताया दैट द ओरिजिन ऑफ प्लास्टिक मनी goes back to the hundis, which the sheikhs of a place called Ahmedabad had signed with the merchant princes of Vienna. और अभी भी जब आप Vienna के वो चार museums में जाएँ, आप ज़रूर गए होंगे, तो वो हुंडियाँ वहाँ हैं, गुजराती में भी लिखी गई हैं और इटालियन में भी. तो आपका जो प्लास्टिक मनी है, इट गोज़ बैक टू अहमदाबाद एंड इट्स ट्रेडिशंस. और मैं आपको ये एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि हम इस बात को भूलते नहीं हैं. आप दिल्ली में डीमोनेटाइजेशन कर देते हैं तो हमारे लोग यहाँ बड़ी जल्दी रिएक्ट करते हैं उसके लिए. आपको पता नहीं, यहाँ एक मेरा दोस्त है, उसने कहा सर मैंने सब सेट कर दिया है. हमने सेट कर दिया सर, आप अपनी दुनिया में रहे, हम अपनी दुनिया में रहेंगे. इसीलिए मैं 18 साल दिल्ली रहा, लेकिन मैंने दिल्ली में कभी नौकरी परमानेंट नहीं की. हमेशा अपनी प्रोफेसरशिप से HM पटेल से लीव लेके गया और वापस आ गया. उन्होंने कहा नहीं, तुमने प्लान बनाया है, एडवाइज़र, यू स्टे बैक फूड सर्वर. ना, I go back to my professorship, even when I was vice chancellor JNU. तो मेरा finance officer was of the revenue service. So he said, sir, मैं आपकी वहाँ की service यहाँ transfer कर दूँगा, आपको pension मिल जाएगी. मैंने बोला अच्छा. तो he said, sir, अब आप वहाँ से resign कर दो. मैंने कहा आंटी ये तो नहीं होगा मेरे से. तो सर फिर pension कैसे मिलेगी? मैंने I can hand carry your file and get you pension. तो मैंने जाके शाम को नहीं मिसेज, मेरी मिसेज गुजरात से हैं, उनसे कहा कि देखिए NTA कहता है, उस ज़माने में हमारी इंस्टीट्यूट में खाली प्रोविडेंट फंड था और ये वो कहता है ये प्रोविडेंट फंड शिफ्ट करा के पेंशन दिलवा देंगे. तो शी वॉज कल्चर्ड इनफ टू से कि अगर आपको नहीं करना तो वी डोंट वांट इट. बट अहमदाबाद इज़ अ लकी, यू नो, हमारी गुजरात गवर्नमेंट ने भी प्रोविडेंट फंड को पेंशन में कन्वर्ट कर दिया. So I get almost the same pension that you would get ambassador. In the worst of times, Ahmedabad, rooted locally, has reacted globally. And the best of times, its local strengths have got global footprints. 2002 में स्ट्रोब टॉलबर्ट यहाँ आए थे, वो अमेरिका के एम्बेसडर रह चुके थे और ब्रुकिंग्स के चेयरमैन हैं, यू नो. तो उन्होंने कहा कि यहाँ नहीं आए थे, उन्होंने दिल्ली में सेमिनार हुआ, मुझे भी बुलाया गया, पता नहीं क्यों, आपकी सर्विस के एक ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे बुलाया. सो यूज़ टू बी एम्बेसडर इन फ्रांस, कोई एक आध अहमदाबाद की भी ज़रूरत पड़ गई उनको. तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर एक प्रोजेक्ट करेंगे. सो फॉरेन सर्विस कॉलीग सेड, डॉक्टर अलग साहब, व्हाट डू यू से? आई सेड नो,
we will fight our battles in Ahmedabad. Or it is because of these Gandhians here कि जब अहमदाबाद जल रहा था तब भी एक आश्रम से दो गांधीवादी लोग थे जो अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर दे डाइड. उन्होंने 80 लोगों को बुलाया था जिसमें से 75 लोग आए. पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिली थी लेकिन जब वो साबरमती आश्रम पे ख़त्म हुआ और विद्यापीठ से बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया रास्ते में तो 5000 लोग थे और हमने वहाँ एक स्टेटमेंट ड्राफ्ट की थी जो दुर्भाग्यवश मेरे नाम पर गई कि फॉर्मर मिनिस्टर और व्हाटएवर और वो दुनिया की हर एक अखबार में गई, न्यूयॉर्क टाइम्स में, हेरल्ड ट्रिब्यून में, अहमदाबाद यर्न्स फॉर पीस. और दूसरे दिन आवर चीफ मिनिस्टर देन और मुरारी बापू ने भी वही मीटिंग की. सो वी हैव द स्ट्रेंथ टू फेस अप टू आवर प्रॉब्लम्स बोथ लोकल एंड ग्लोबल. मुझे याद है उसके कुछ दिन बाद आई वेंट टू द सिटी तो माणिक चौक में गए. सो देर इज़ अ साबू वाला देर. कोई साबू वाला होगा उसने साबुन की दुकान खोली. अब वहाँ 5 साबू वाले थे दे मस्ट हैव. सो उसने दुकान खोल रखी थी. सो आई आस्क्ड हिम अरे तुमने दुकान क्यों खोली. बोल नहीं सर मैं तो सुबह आता हूँ और शाम को मुझे 1000 रुपये मिल जाते हैं. तो उन्होंने बोले जला देंगे तो फिर क्या करोगे क्योंकि एक साबू वाले की दुकान जला दी गई थी. ई सेड सर फिर खोल दूँगा. देर इज़ दी ultimate fighting spirit. Textiles और बड़ी बड़ी textile factories तो आप जानते ही हैं. The original textile industry and its relationship with the freedom movement, the Ahmedabad Education Society, Gandhi ji ka, the Textile Labour Association, all of that is history. बट वेन दी जब वो इंडस्ट्री ख़त्म हुई तो अहमदाबाद डेवलप्ड द होल बिजनेस ऑफ एन आर्टिजान रिएक्शन. और जो नया फैशन ट्रेड का कल्चर है देयर इज अ लॉट ऑफ गुड रिसर्च डन इंक्लूडिंग इन द सरदार पटेल इंस्टीट्यूट, डायमंड पॉलिशिंग, टेक्सटाइल्स. इट गेट्स बैक to the intrinsic abilities of this city to be global. And whatever you say, fashion garments mein, it is indeed a global center. And around this you develop clusters. SEPT, education ki baat Vidyapeeth mein humne ki. SEPT jab shuru hua tha to 3 pagal log the. Ek ka naam Balkrishna Doshi, एक अमेरिकन था जो हिंदुस्तानी बन गया क्रिस्टोफर बेनिंजर, और एक मैं था. और हम लोग बैठ के डोशी के घर पे मसाला चाय पी रहे थे और ये सोचा गया कि यार ये जो हम बातें करते हैं आर्किटेक्चर की, बेनिंजर सिटीज़ की प्लान करता है, डोशी ड्रीम करता है. यहाँ शांति होगी, यहाँ भगवान मिलेगा, एक पेड़ के पास में. आई टोल्ड हिम वंस डोशी तू पागल है, वी आर ए वेरी वायलेंट पीपल. नहीं नहीं योगिंदर तेरे को समझ में नहीं आएगा, ये यू आर एन इकोनॉमिस्ट. और मैं कि नहीं सब में इकोनॉमिक्स भी हम डालेंगे. और लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया. एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो टू द ऑल इंडिया स्कूल ऑफ प्लानिंग, दे वॉन्ट टू गो टू खड़गपुर, दैट इज़ वेयर द डिग्रीज आर. और हम वहाँ पढ़ाते थे. डोशी बाहर अपनी वो करता था. स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में इतनी जगह नहीं थी कि हमको स्टूडियो भी दें, तो हम लोग वहाँ लॉन में बैठ के पढ़ाते थे.
ये बच्चे जो अभी इतने बड़े बड़े प्लानर्स बने हैं, पहला बैच उसका, दे विल टेल यू कि कैसे वो था. और वही स्कूल जो है नाउ, इट इज़ अ ग्लोबल स्कूल. इट वॉज अ लोकल स्कूल, इट बिकेम अ ग्लोबल स्कूल. सो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि हम सब दूध में धोए हुए हैं. तभी आई स्टार्टेड विद द राइट्स, विच इज़ आवर आवर ऑफ शेम इफ यू लाइक. बट आई थिंक हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ है कि हम अपने लोकल कल्चर को ग्लोबली भी देख सकें. और मैं मानता हूँ कि जो नई टेक्नोलॉजी, जिसकी बात आपने भी की और बड़ी अच्छी तरह की आपने, और मैं उसके बारे में कुछ बोलना चाहता था लेकिन अब मैं ये सोचता हूँ कि ये बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने उसको इतनी अच्छी तरह बताया. लेकिन अगर हम इस पाथ पर रहे, और मैं ये नहीं कहता कि हमारे वहाँ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट तो होगा, लेकिन मैं उम्मीद मुझे यही है कि हमारी ऐसी संस्थाएं होंगी जो उस कॉन्फ्लिक्ट को एब्जॉर्ब कर पाएंगी और जो इतिहास के जो लेसन्स हैं उनको लेके आगे बढ़ेंगी. तो अगर ये होगा तो अहमदाबाद कैन ट्रूली बी ए ग्लोबल मेट्रोपोलिस बिकॉज इट विल बी ए लोकल सिटी विच इज़ प्रोजेक्टिंग इट्स इमेज आउटसाइड. और नहीं करेंगे तो हिस्ट्री इज, जैसे आप बता रहे थे, इट इज़ नॉट वेरी काइंड टू दोज हु फेल, दे गो इन द डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री. तो मुझे ये उम्मीद है कि वी विल नॉट गो इन टू द डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री बट वी विल शो द वे फॉर द लोकल एंड द ग्लोबल. एंड थैंक यू एम्बेसडर वर्मा for giving us that message in a cosmic, historical sense, civilizational sense. I'm sure it encourages each one of us ke aapka jo message hai, jis had tak ho sake, hum apne shahar mein bhi usko internalize.